हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम मैंने आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था, तो आज की वीडियो में मैं आपको उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब तुम्हें याद रखना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म। तो एक सेमीकंडक्टर हम तब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं जब वो कोई प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एज सेमीकंडक्टर, लिखो इसकी डेफिनेशन, एज सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे होती है, ये भी तुम्हें याद रखना। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मान के चलो दो प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं हमारे पास, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहां पर क्रिस्टलाइजेशन सिलिकॉन की कर दे तो कितने एटम्स होंगे, कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 4। कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 4। जहां पे भी आओगे, यहां पे भी सिलिकॉन लिख कर दे तो यहां पे भी कितनी बॉन्ड बनाएंगे, 4। यहां पे भी सिलिकॉन कर देते हैं तो यहां पे भी कितना बना देंगे, 4। वैसे ही सिमिलरली यहां पे भी, तो दैट मीन्स यहां इन केस में क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, हम कोई एटम यहां पे जिसका आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एक उनकी जगह क्या हो जाएगी, खाली। जैसे मैंने यहां पे अगर क्या लगा दिया, बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगी, 2 और 3, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना आ जाएगा, 3। अब यहां पे इस 3 आ रहा है तो दैट मीन्स 3 उसकी क्या बन रही है, कोवलेंट बॉन्ड। अगर 3 कोवलेंट बॉन्ड बन रही है तो एक जगह उसकी क्या हो जाएगी, खाली। दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, होल। तो इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अब कंडक्टिविटी कैसे होगी, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के दोनों की वजह से कंडक्टिविटी होगी, वो हम देखेंगे कि कैसे कंडक्टिविटी हो सकती है। अब बोरॉन अपने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है इसमें, अगर 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हम अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड हो जाएंगे एटम तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड होंगे एटम में। अगर हम कहीं रूम टेम्परेचर में रखते हैं इसको तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब हमने रूम 0 टेम्परेचर पे रखा तब बिहेव ये कैसे करता है, इंसुलेटर से, और जब हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं तब इसके जो एटम्स है वो रिलीज होना स्टार्ट करते हैं तो कंडक्टिविटी होती है। डैट मीन्स कि 0 टेम्परेचर पे वो बिहेव एज ए इंसुलेटर करता है। तो अब हम कंडक्टिविटी देखेंगे। कंडक्टिविटी बोथ की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी एंड होल्स की वजह से भी। अब कंडक्टिविटी मैं ये देख सकती हूं, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टिविटी करना है तो हम इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी याद रखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होती है और होल्स की वजह से भी। हम यहां इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं और यहां पे होल्स बना देते हैं, और इसको कंडक्ट करने के लिए यहां पे बैटरी लगाएंगे, वोल्टेज दे देंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ की ओर जाएंगे, पॉजिटिव के थ्रू, किसकी ओर, पॉजिटिव के थ्रू। और जो होल्स हैं वो हमारे कंडक्ट कैसे होंगे, नेगेटिव के थ्रू। अब तुम्हें याद रखना है कंडक्टिविटी बोथ की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स की वजह से। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ले आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे ड्रिफ्ट किसकी वजह से होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, और जो हमारे होल्स होते हैं वो ड्रिफ्ट किसकी वजह से होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की वजह से। मतलब कंडक्टिविटी बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल की वजह से होता है। और तुम्हें याद रखना है पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की वजह से ड्रिफ्ट होंगे, और जो होल्स है वो नेगेटिव की वजह से ड्रिफ्ट होंगे। और इस ड्रिफ्ट को हम क्या कहते हैं, इस करंट को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट, हम इसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट। ये तुम्हारा क्या हो गया, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रेंसिक क्या होता है, इंट्रेंसिक तो समझ आ गई तुम्हारा कि प्योरेस्ट फॉर्म है, एक्सट्रेंसिक क्या होगा, When we add impurity, जब भी हम कोई भी इम्प्योरिटी एड करते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे, एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। कि लिखो, When we add impurity, When we add impurity in the purest form is called एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड क्या है तुम्हारे पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप का मतलब है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक प्योर, जब हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटी इनटू द प्योरेस्ट फॉर्म, जैसे मान लो सिलिकॉन और जर्मेनियम में हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तब हमारे पास क्या मिल गया, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। और आगे फर्दर टाइप्स है इसके, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप इज पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप इज नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक और टाइप होता है डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। ये मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि एन टाइप का नाम डोनर टाइप सेमीकंडक्टर क्यों पड़ा और पी टाइप का नाम एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर क्यों पड़ा। स्टार्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम क्या है, एक और डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा डोनर टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो तुम लिख सकते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब डोनर एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। क्या होगा, एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अब पेंटावेलेंट का क्या मतलब है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पांच। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पांच। अब जैसे मान के चलो फॉस्फेरियस, फॉस्फेरियस के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पांच। वैसे हम प्योर फॉर्म लेंगे, जैसे सिलिकॉन ले लिया यहाँ पे, वो कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, चार। यहाँ पे भी चार लगा दिए, यहाँ पे भी, तो कोवलेंट बॉन्ड कितनी बन गई उनकी, चार। वैसे ही हमने यहाँ पे भी सिलिकॉन लगा दिया, इसके पास भी चार। अब यहाँ पे हमने लगा दिया फॉस्फेरियस, फॉस्फेरियस के कितने आउटर मोस्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन, पांच। दैट मींस वो कोवलेंट बॉन्ड कितना बनाएगा सिलिकॉन के साथ, ओनली फोर। तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ और यहाँ पे, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री टू मूव। हम हर जगह यहाँ पे भी सिलिकॉन लगा देते हैं, यहाँ पे भी सिलिकॉन लगाएंगे, आगे भी सिलिकॉन लगा देंगे। अगर कहीं और भी फॉस्फेरस लगा लोगे तुम लोग, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रह जाएगा, फ्री टू मूव। क्या रह जाएगा, फ्री टू मूव। अब अगर तुम देखा जाए, हर जगह फॉस्फेरस लगाने के बाद हर जगह क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। दैट मीन्स मेजोरिटी किसकी हो जाएगी एन टाइप में, मेजोरिटी किसकी हो जाएगी एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी हो जाएगी,
इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि तुमने हर जगह देख लिया कि एक इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, दैट मींस ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकता है जिसके पास कोवलेंट बॉन्ड एक रहती हो, दैट मींस ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर किसी को भी दे रहा है तो इसका नाम क्या बना, डोनर टाइप सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको तभी, डोनर टाइप सेमी कंडक्टर, क्योंकि ये हमेशा वही वाले इंप्योरिटी ऐड करेगा जिसके आउटर मोशन में पांच इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके भी आउटर मोशन में पांच होंगे, अगर पांच होंगे चार की वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक क्या हो जाएगा रैंडमली फ्री टू मूव, तो अगर वो फ्री टू मूव होगा दैट मीन्स वो किसी के भी एटम में जा सकता है, तो हम इसका नाम क्या डालते हैं फिर, डोनर टाइप सेमी कंडक्टर। अब कंडक्टिविटी कैसे होगी इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर की वजह से, किसकी वजह से, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये मैं रब कर लेती हूं। अब कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, कंडक्टिविटी एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस वजह से होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये तुम्हें याद रखना है। जो भी एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लो और पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे उसी से कंडक्टिविटी होगी। अब इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स किसके हैं, इलेक्ट्रॉन्स के, तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं और थोड़े बहुत होल्स भी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी, तो ये तुमने लिख देना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये तुम्हें लिखना है कि कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अब इसमें तो पेंटावेलेंट था, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, पहले तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों नाम है इसका एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है। क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जिसके आउटर मोशन में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये कौन सी इंप्योरिटी लेता है, ट्राइवेलेंट, क्या यूज करता है ये, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लेता है। जैसे मान के चलो यहां पर मैंने फिर प्योरेस्ट फॉर्म सिलिकॉन लगा दिया, उसके कितने कोवलेंट बॉन्ड लगाएंगे, चार, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फोर। वैसे ही सिमिलरली यहां पे भी हमने ले लिया चार इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, ट्राइवेलेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कौन सा होगा, जैसे बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पांच, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने रह जाएंगे, तीन, दैट मींस वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। यहां पे बोरॉन लगा दिया हमने, अब बोरॉन लगाते वक्त तो तीन इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे लगा दिया, एक उसका कोवलेंट बॉन्ड क्या रह जाएगा, खाली, एक कोवलेंट बॉन्ड उसका क्या रह जाएगा, खाली। अगर जगह खाली है तो हम क्या लगा लेते हैं, होल, क्या बन जाता है वो, होल। तो एक किस्म के अगर बोरॉन, यहां पे भी मैं सिलिकॉन लगा देती हूं, तो हर जगह अगर बोरॉन लगा दूं तो उसका एक आउटर मोस्ट शेल क्या रह जाएगा, खाली, दैट मींस हर जगह तुम्हें क्या मेजॉरिटी दिखेगी, सिर्फ होल्स की। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी नेबरिंग एटम इसको उधार देना चाहता है, डोनेट कर सकता है एटम, तो ये ले लेगा, तो दैट मींस ये किसी का एटम नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये डोनेट एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम इसका नाम क्या होता है, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये किसी के भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हर जगह अगर मैं बोरॉन लगा दूं तो एक एक होल रह जाएगा, एक कोवलेंट बॉन्ड रह जाएगा, तो हम उसमें किसी का भी इलेक्ट्रॉन उसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं, तो हम इसका नाम क्या डालते हैं, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर हमें होल्स ही दिख रहे हैं, दैट मींस मेजॉरिटी किसकी हो गई, होल्स की, और माइनॉरिटी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर मेजॉरिटी होल्स की है तो कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो जाएगी, होल्स की वजह से। तो हम कंडक्टिविटी की वैसे ही डायग्राम बना देते हैं, ये मिटा देती हूं।
अब कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस वजह से होगी? होल्स की वजह से. किस वजह से होगी? होल्स. ये याद रखो, हमेशा पी टाइप और एन टाइप में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? जो मेजोरिटी कैरियर्स होंगे. अब इसमें मेजोरिटी कैरियर्स किसके हैं? होल्स के हैं. तो हम कंडक्ट किससे करवाएंगे? होल्स से. ये तुम्हारा क्या हो गया? कंडक्टिविटी. तो पी टाइप में, पी टाइप का नाम क्या हो गया? एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप का क्या हो गया? डोनर टाइप सेमीकंडक्टर. सो स्टूडेंट्स, होप सो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा. और आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए.